हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो इसे मैंने ट्रेंडिंग नॉवल्स की लिस्ट से जो है वो पिक किया है। ठीक है, ये जो नॉवल थी ना यार, थोड़ी सी डिफरेंट थी क्योंकि ना इसमें ये कह लो कि वो होता नहीं है वो बालिका वधू वाला सीन टाइप्स, कि भाई बचपन में शादी हुई लेकिन हमारी हीरोइन को उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है और वो राजस्थान की स्टोरी है। ठीक है, तो वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बाकी पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है, किस तरीके की स्टोरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जो डिटेल्स होंगी वो तो मैं अभी आप लोगों को बता ही दूंगी, बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। हाँ जी, तो जो स्टोरी का नाम है वो है गौरी अक्ष प्यार का। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है वो 4.5 और जो इसकी ऑथर है वो है गगनदीप कौर और इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 24 और मैंने 23 रीड किया है। मे बी कल आया होगा 24 वाला तो मैं रीड नहीं कर पाई। हाँ चलो कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेन हीरो हीरोइन के नाम तो बता दूं, है ना। तो जो हमारी हीरोइन है उनका नाम है गौरी और जो हमारे हीरो हैं उनका नाम है वीरभद्र सिंह राठौर। ठीक है, हम वीर करके उनको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यार इतना बड़ा नाम है तो ठीक है। तो गौरी और वीर की कहानी है ये। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। तो जो हमारी हीरोइन है वो एक सीधी सादी भोली भाली 21 साल की लड़की है, चलिए ठीक है। और उनके मतलब पेरेंट्स की डेथ के बाद जो है वो अपनी मासी माँ के साथ 15 साल से रह रही हैं, वो भी बनारस में। ठीक है, उन्हें अपने अतीत के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं पता है क्योंकि उनकी मासी माँ ने कभी बताया नहीं और वो काफ़ी छोटी थी जब वो उनके साथ आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारी हीरोइन जो है ना वो आमेर की राजकुमारी है। ठीक है, और उनकी बचपन में ही हमारे हीरो से जो है वो शादी हो गई थी। ठीक है, मतलब वो बालिका वधू वाला सीन था तो शादी हो गई, पर वो जो है वो उसे लेने जो है वो बनारस पहुंच जाते हैं लेकिन जो गौरी है उसको तो इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि भाई उसकी शादी हो चुकी है या वो ऐसा रानी वाला सीन। वो तो पढ़ के आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है लेकिन क्या कर सकते हैं यार। ठीक है, तो क्या होता है वो ज़बरदस्ती वाला सीन था कि वो ज़बरदस्ती उन्हें उनके साथ लेके चले गए और दूसरी चीज़ ये भी थी कि भाई एक ज़बरदस्ती की शादी थी तो कैसे वो निभा पाएंगे और कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यार बहुत टफ हो जाती हैं चीज़ें, है ना। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे हीरो का जो रिएक्शन होता है, लाइक उन्होंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी बट फिर भी उन्होंने ना उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो वो बना दी। वो मतलब वही है यार, इतने साल पहले उन्होंने बचपन में शादी की थी। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि भाई उन्होंने उन चीज़ को याद रखा और किसी और से वो वाला सीन नहीं होता है कि प्यार वाला, किसी और के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी लेकिन आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। तो आगे क्या होता है कि आप लोग खुद देखोगे कि उनका जो स्टार्टिंग में नेचर आएगा ना, मतलब गौरी को लेके, क्योंकि उन्होंने उनकी शक्ल तो देखी नहीं थी लेकिन बनारस में उन्हें कोई लड़की पसंद आ गई थी, क्या कर सकते हैं भाई, आ गई तो आ गई, है ना। तो वो उनकी शक्ल तो देख नहीं रहे थे। अब आप लोग भी समझ गए होंगे, है ना, कि वो गौरी होगी लेकिन उन्होंने उनको घूंघट करने के लिए बोला था। उन्होंने मतलब जब से वो वहाँ से आए थे उन्होंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी, क्या कर सकते हैं यार, एक बार देख तो लो घूंघट के नीचे कौन है, थोड़ा सा तो पता होना चाहिए है कि नहीं है। चलो मान लिया तुम्हारी शादी इतने साल पहले हुई थी लेकिन एक बार देखने में क्या हर्ज है, तुम्हारी बीवी है यार, किसी और की थोड़ी ना है। ठीक है, चलो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, लेकिन जब उन्होंने हमारी हीरोइन का वो अवतार देखा टाइप्स और जब वो पर्दा उठा और फिर जो सीन हुआ वो तो कमाल का था, मतलब मज़ा आ गया भाई देख के। वो कहते हैं ना, वो बेशक सीधी सादी है लेकिन भाई वो अलग सीन है। वो एक डायलॉग भी है उनका, वो बोलती है कि मैं बस सूरत से ही गौरी हूँ लेकिन मैं सीरत से जो है वो काली हूँ। ठीक है, तो आप खुद देखोगे ना वो चीज़ की उनका मतलब क्या है, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो भाई उनको मतलब टाइम नहीं लगता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना बिहेवियर या फिर ये कह लो कि चीज़ें जो है उसको फटाफट से चेंज कर देती है, शिफ्ट हो जाती है। मतलब जहाँ उन्हें लड़ने की ज़रूरत है वहाँ वो लड़ती हैं और जहाँ उन चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ वो चुप रहती है। ठीक है, अब आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि कौन सी चीज़ों के बारे में वो बोल रही थी। ठीक है, तो ये जो था, ये चीज़ जो थी, देखो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हर किसी का नेचर जो है ना वो इस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी जो मैं कहूँगी कि आप लोग भी अडाप्ट करो। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लो जब जहाँ ज़रूरत है। ठीक है,
ये एक अच्छा मैसेज था। और दूसरी चीज़ एक ये भी थी कि आप पहले ही मतलब बिना देखे किसी को ऐसे जज मत करो, लाइक उन्होंने अपनी वाइफ को बिना देखे ही सोचे समझे, और हमेशा उनके वो बनारस वाली लड़की उनके दिमाग में आती थी, वो आँखें बंद नहीं करते हैं, वो ऐसे बोलते नहीं है कि तुम आँखें बंद करके देखो तुम्हें जिसका चेहरा नज़र आएगा तुम उसके मतलब वो उससे तुम पसंद करते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके के डायलॉग्स होते हैं। ठीक है ठीक है, जब उन्होंने उनको देख लिया तो उनका थोड़ा पॉजिटिव नेचर हो गया उनको लेके, लेकिन उन्होंने जब अपने सपने के बारे में उन्हें बताया लाइक कि वो पढ़ना चाहती हैं, मना कर दिया, जो कि यार देखो गलत चीज़ थी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि यार उन्होंने मना कर दिया। मैं तो चाहती हूँ कि वो उनको आगे वो पढ़ना चाहती हैं तो वो उन्हें पढ़ने की जो है वो अनुमति दें, ठीक है, ये क्योंकि नहीं देंगे तो फिर वो एक नेगेटिव वे में चला जाएगा, लेकिन मे भी वो देंगे, वो हीरो हैं यार, अपनी हीरोइन के लिए इतना नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे ना, ठीक है। वो बात अलग है, वो थोड़ी एडजस्टमेंट के साथ उनको भेजेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी इंसान नहीं है, वो एक मतलब रानी है। और दूसरी चीज़ की भाई इतने सारे लोग जो हैं वो दुश्मन हैं गद्दी पे बैठने के लिए, सबसे बड़ा सीन तो यही होता है बेसिकली ना, ये बड़े बड़ी चीज़ों में मतलब यहाँ प्रॉपर्टी वाला सीन आ जाता है, वो राज घरानों में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, तो इस वजह से चीज़ें जो हैं वो मे बी आगे चल के चेंज होंगी, लेकिन अभी तो यही है कि धीरे धीरे वो सीख मतलब कोशिश कर रही है एडजस्ट करने की क्या चीज़ें हैं। और हमारे हीरो भी जो है वो उनके साथ भी मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगी यार, अब वो रही नहीं है वहाँ पर तो फ़र्क तो पड़ता है। बट स्टोरी सच में काफ़ी अच्छी लगी मुझे, रॉयल लाइफ स्टाइल डेफिनेटली है, क्योंकि आप लोग वो राजा महाराजा टाइप वाला सीन तो होगा तो फिर तो देखने को मिलता ही है ना, वो गन्स एंड ऑल और दुश्मन ये सब कुछ, और जो इनका पास्ट है मिस्ट्री है, इनके मॉम डैड की डेथ जो है वो भी एक प्रॉपर तरीके से एक मिस्ट्री है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की इनको हमारे हीरो जो किस तरीके से प्रोटेक्ट करके बचा के रखेंगे ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, अभी तो स्टोरी में बहुत कुछ है, ठीक है, तो आप लोग स्टोरी को एक बार जाके रीड ज़रूर करना, मेरे को तो पसंद आई स्टोरी, बाकी आप लोग देख लो आप लोग को कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, क्योंकि अगर आप लोग भी देखना चाहते हो कि भाई हीरोइन ने किस तरीके से जो है वो अपना नेचर जो है वो बना रखा है तो तब तो डेफिनेटली जाके देखना, बट काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी हैं तो, और वो फ़नी मोमेंट्स नॉक जोक एंड ऑल वो सब तो है ही है, तो आप लोग स्टोरी में बोर तो डेफिनेटली नहीं होने वाले हो, बल्कि आप लोग कई सारी चीज़ें जो है वो पसंद भी आएंगी। थोड़ा बहुत जब बिहेवियर की बात आ जाती है तो आप लोग को स्टार्टिंग में लगेगा कि उनका बिहेवियर उनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन आगे चल के चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा, तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल को फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।